हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HP Atech। मेरा नाम है हर्षल और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में कि पेटीएम फ्रॉड। हाँ जी हाँ, पेटीएम के तरफ से फ्रॉड है, पेटीएम की तरफ से नहीं है। कि आप मेरी बात कहानी से सुन लीजिए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मुझे कॉल आया था पेटीएम की तरफ से। उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि पेटीएम सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट से वो बोल रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने मुझसे कंफर्म कराया मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम और मेरा जो लास्ट प्लेस ऑर्डर था। जी हाँ, मैंने नॉर सूपी नूडल्स ऑर्डर किए थे, तो वो उन्होंने मुझसे कंफर्म करा कि आपने ये किया था ऑर्डर। तो ठीक है, मैंने इतना सब ऑर्डर बता दिया और उन्होंने, मेरे को लगा कि वो सही है, उन्होंने कंफर्म किया, तो मुझे लगा सही में ही कॉल होगा। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आप डेली बेसिस विनर पे ऑल ओवर जो आपने जो ये ऑर्डर लास्ट ऑर्डर प्लेस किया था, वो किसी जो ऑर्डर पीरियड चालू था, एक ऑफ़र पीरियड चालू था, उसमें ऑर्डर किया था, और आपको जो है डेली बेसिस मतलब एक विनर चूज़ किया गया है ऑल ओवर महाराष्ट्र में से। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, ठीक है। तो फिर बाद में ना मैंने पूछा, अरे वाह, तो प्राइजेस उन्होंने मुझे ये बताया कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइजेस है, आईफोन एक्स है, डेल इंस्पिरॉन का लैपटॉप बताया, वोल्टास का AC, ये सब जो है, ये सब उन्होंने मुझे पाँच और जो गिफ्ट है वो बताए, ये गिफ्ट आपको मिल सकता है ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो गिफ्ट है फ्री गिफ्ट है, तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बस ये जो रजिस्टर करने के लिए आपको 5,000 rupees की मैक्सिमम पेटीएम पे से शॉपिंग करनी पड़ेगी, पेटीएम मॉल पे से। उन्होंने ऐसा मुझे बताया, तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मिनिमम 5,000 बताया, और मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो ऐसा उन्होंने मुझे बताया, पर 5,000 की आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है। फिर बाद में असली कैच चालू हुआ यहाँ से। तो कैच उन्होंने ये बताया मेरे को कि वो जो नंबर है उनका, जो नंबर 8888 जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये 888 नंबर से उनको कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे उसके बाद वहाँ पे है ना ज़ीरो, जो 91 से चालू हुआ था उसमें ज़ीरो लगा के फिर से उनको कॉल करना है मुझे। जी हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि उन्हें कॉल करना है, फिर बाद में वो अपनी मर्चेंट लिंक देंगे, अपने जो मर्चेंट अकाउंट की लिंक है और जो डिटेल्स है वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, और मुझे पेमेंट वहाँ करनी है। जी हाँ, जी, इन्होंने सरासर बेवकूफ़ समझ के रखा है ऐसा। पर ये जो नाम है पेटीएम मॉल के ऊपर, ये लोग ने ऐसा ऐसा स्पैम कर रहे हैं, तो आपको भी सतर्क रहना है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी किया, मैंने पहले बात किया था इनसे, तो पहले जब इनसे बात किया मैंने, तब उस टाइम पर मैंने रिकॉर्डिंग प्रेस किया था, पर रिकॉर्ड हुआ नहीं किसी कारण से, तो उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। पर मैंने सेकेंड टाइम उनको फिर से कॉल किया और मैंने उन्हें ऐसा बोला कि मैं ये जो है मेरा, जो जिसको आपने कॉल किया वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो ऐसा क्या कॉन्टेस्ट है मुझे भी बताइए। तो उनसे मैंने ऐसा बात किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ऑफ़र है सिर्फ आधे घंटे के लिए अभी एक्सटेंडेड है। और मैंने जब पहले कॉल किया था तो पहले उन्होंने बोला था कि अभी 2 या 4 घंटे के लिए ऑर्डर ऑफ़र है, और फिर बाद में मैंने जब दूसरे बार कॉल किया तो वो बोलते कि सिर्फ आधे घंटे के लिए है। ठीक है, तो ये आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो, हेलो मैम, अभी है ना मेरे भाई को आपने फोन किए थे, तो उसने बताया कि ये है, तो मेरे को भी सुनना था कि क्या ऑफर है करके। हेलो मैम। हाँ मैम, क्या शॉपिंग, क्या पेटीएम मॉल से क्या ऑफर है ये बताना। हेलो, आपका नाम और नंबर हमारे पेटीएम मॉल में शॉर्टलिस्ट हो गया है शर्ट गिफ्ट के लिए। हाँ, डेली बेस पर ऑल ओवर इंडिया से 5 कस्टमर का नाम और नंबर शॉर्टलिस्ट होता है, जिसमें आज के रेट में आपका नाम और नंबर शॉर्टलिस्ट। अच्छा, तो इसमें आपको 5 तरह की शॉर्ट गिफ्ट दिए जा रहे हैं। एचआर कंपनी का लैपटॉप है 15.6 इंच का, सोनी एलईडी टीवी है 40 इंच का, एक एप्पल आईफोन है 7, एक ब्लू स्टार AC और लास्ट है LG रेफ्रिजरेटर। ये पांचों में से जो भी एक आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। इसमें कंडीशन है, आपको आज के रेट में हमारे पेटीएम मॉल से 5,000 की मिनिमम एक शॉपिंग करनी है। अच्छा, तो फिर मतलब सिर्फ एक शॉपिंग करने से आ जाएगा जी। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके लिए जो पेमेंट है, जिसे आप नॉर्मली करते हैं वेबसाइट में जाके बाय नाउ, उस तरह से इसके लिए पेमेंट नहीं करना है। अच्छा, पेमेंट जो आपको करना है, आप जो अपना पर्सनल पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं उसके थ्रू करना है, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करना है। अच्छा, तो आपको यहाँ से हमारे पेटीएम मॉल का मर्चेंट अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट करना है। अच्छा, तो बताइए इंटरेस्टेड है ऑफर में। तो मैम ये मतलब कितने वैलिडिटी कितना है इसका, मतलब कब तक के कर सकते हैं ये ऑफर? आपके पास में सिर्फ आधे घंटे के लिए वैलिड है। अच्छा, आधा ही घंटा।
क्योंकि काफी देर पहले कॉल किया गया था। हाँ मैम, तब मैं घर पे नहीं था, अभी आया घर पे, तो अभी बताया मुझे ऐसा ऐसा। एक मिनट, अभी वो लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा ये है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, फिर हम इसका बताते हैं आपको। ये अकाउंट मतलब ऐड कार्ड करेंगे, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है वो आप ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसी नंबर के आगे जीरो ऐड करके कॉल कर लीजिएगा। अच्छा। ठीक है, और बोलिएगा। हेलो 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 हेलो। हाँ मैम, क्या जीरो ऐड कर दें? कॉल कीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है, आपकी कॉल को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैं रजिस्टर्ड नंबर जानना चाहूंगी सर, आपने जिस नंबर पे कॉल किया था। हाँ तो यही नंबर है ना मैम? ठीक है, मैं चेक करवा लेती हूँ। थैंक यू। हाँ तो जैसे कि आपने देख ही लिया, ये सुन लिया होगा पूरा, ये जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ हुआ। फिर बाद में मैंने फिर से उनका उधर से कॉल आया मेरे को, कि उन्होंने वो पूछते कि आप अभी जो हमने बातचीत हुई हमारी, तो आपको क्या, आपने क्या सोचा? जी हाँ, उन्होंने मुझे आधे घंटे का स्पैन दिया था, और फिर बाद में वो मेरे को एक डेढ़ घंटे बाद खुद फ़ोन करके बोलते कि आपने क्या सोचा। जी हाँ, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा कि आप कॉल रिकॉर्डिंग इसके बाद सुन लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऐसे पूछा कि क्या है ये, आपने जो बोला था आधे घंटे के लिए ही था, पर ऐसा क्यों एक्सटेंडेड हुआ? तो वो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने फिर बाद में उनसे पूछा कि ये जो ऑफिशियल नंबर तो है ही नहीं आपका, मतलब पेटीएम और ये जो ऑफिशियल जो साइट्स रहते हैं, बहुत बड़ा नाम है यार पेटीएम, और पेटीएम के जो नंबर्स रहते हैं वो जीरो अलग नंबर रहते हैं उनके, प्राइवेट नंबर अलग टाइप के, पर ये तो नॉर्मल एक जियो मोबाइल से फ़ोन किया जा रहा था मुझे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मैंने आपका ट्रू कॉलर पे नाम सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे क्यों आपको ऐसा वहाँ पे क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो पेटीएम स्पाम करके, स्कैम करके ऐसा नंबर आ रहा है आपका, बहुत सारे जनों ने आपको स्पाम भी करके रखा है, रिपोर्ट करके रखा है। वो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं इनका नंबर। और ऐसा इनको मैंने पूछा तो वो फिर बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता सर, वैसा कोई गलत फैमिली हुई होंगी, ऐसा ऐसा मेरे को ऐसा बोल रही थी वो लड़की। और फिर बाद में मैंने बोला नहीं अब ऐसा क्या, तो वो क्या बोलती कि ये कॉल रिकॉर्डेड है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, और फिर बाद में फट से कॉल रख दी। ऐसा कौन सा एग्जीक्यूटिव करता है यार, ऐसा कोई भी कॉलर जो कंपनी की तरफ से कॉल करता है वो ऐसी कभी बात नहीं करता। और सीरियस नोट, पेटीएम मॉल के ऊपर ये लोग नाम से आपको उल्लू बना रहे हैं। जी हाँ, तो यही मेरा वीडियो का मकसद है कि आप ऐसा उल्लू मत बनिए, ऐसे बहुत साइबर क्राइम हो रहे हैं यार, इनसे सतर्क रहिए। पेटीएम जैसे बड़े बड़े नाम को लेकर ये लोग उल्लू बना रहे लोगों के लिए, गरीब आदमी से 5,000 रुपये, क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5,000 है मिनिमम, और उसके ऊपर आप ले सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड कितने का भी लीजिए और पेमेंट उनके साइट पे कीजिए, ऐसा कोई लॉजिक लगता है आपको? तो और वो भी बात करो तो उनसे तो वो बोलते कि हम पेटीएम की तरफ से है, पर हम स्पेशल सेल्स एंड प्रमोशन के लिए है, डेली बेसिस पे हम आपके ये निकालते हैं, 5 विनर निकालते हैं, महाराष्ट्र में से आप हो गए। और एक सीरियस नोट ये बात भी है कि उन्हें जो हमारे पेटीएम की जानकारी मिली कहाँ से, पेटीएम के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जानकारी, हमारा नंबर, यहाँ तक कि हमारे जो प्रीवियस ऑर्डर है, इससे पहले मैंने ऑर्डर जो प्लेस किया था वो तक उन्हें पता है, मैंने मैगी डूडल्स के पैकेट ऑर्डर किए थे तो वो तक उन्हें पता है, तो ये क्या, कहाँ से उन्हें पता चला? पेटीएम क्या जानकारी लीक करता है या कहीं से उन्होंने कुछ किया है? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ पेटीएम से कि आप भी थोड़ा सतर्क रहिए। मैंने पेटीएम के जो कस्टमर केयर थे उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, इतना कॉल किया उन्हें, दिन भर से मैं सुबह से उन्हीं के पीछे लगा हूँ, पर एक कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे, उनके कॉल पूरे बिजी जा रहे हैं, बार बार कॉल लगा रहा हूँ, लगातार कॉल लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। मेरे को उनसे पूछना है कि क्या आप क्या कर रहे हैं, आप ये सिक्योरिटी दे रहे हैं क्या अपने यूजर्स को? तो यही है मेरा आपको मकसद ये वीडियो बनाने का, कि बस आप ये रहिए, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ तो सर आप, हेलो जी सर। हाँ क्यों कॉल क्यों किए? सर आप आज के डेट में आपका नाम नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ था एक आश्वेत जिसके लिए, जिसके रिगार्डिंग बात भी हुई थी सर हमारी, और आपने बोला था कि मैसेज प्रोवाइड कर देने के लिए, मैं चेक कर लेती हूँ, तो आपको मैसेज प्रोवाइड किया गया था सर, तो क्या मैं जान सकती हूँ कंपनी? हेलो, पर अभी मैंने इसके पहले कॉल किया था तो आधे घंटे तक ऑफर था ऐसा मेरे को बताया। हाँ
और मैम ये जो आपका जो नंबर है वो तो कोई ऑफिशियल नंबर नहीं दिख रहा मेरे को पेटीएम मॉल से। आप एक काम कीजिए, कस्टमर केयर में कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ये ऑफिशियल नंबर है कि कोई दूसरा नंबर। और ट्रू कॉलर पे तो पेटीएम स्पैम करके लिख कर है मेरे नंबर को तो पेटीएम डॉट हेलो हेलो पेटीएम मॉल डॉट कॉम लिखा होगा सर। जी सर बोलिए। पेटीएम स्पैम करके लिख कर है ये नंबर पे पेटीएम का। हाँ अच्छा कुछ नहीं लिखा हो सकता। ठीक है सर, एंड थैंक यू सर, आज के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो सर। ये रिकॉर्डेड कॉल है, मैं आपसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती। हाँ ठीक है ठीक है। आप सब और ये कॉल रिकॉर्डिंग आपने जो सुना है ये सबसे अवेयर हो जाइए आप, और आजकल ये जो है बहुत बढ़ गया है। तो बस यही था मेरा वीडियो का पर्पस, अवेयर रहिए यार और सुरक्षित रहिए। आपके मेहनत की कमाई है वो ऐसे ही उड़ा के लेके जाते हैं, बस इतना ही मेरे को बताना था आपसे। तो तब तक के लिए आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, और ये जो वीडियो है इसे प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, शेयर कीजिए, जो हमारे भाई बंधु लोग हैं उनसे बताइए उनको कि ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं ये आपको रिव्यूज वगैरह के लिए नहीं बोल रहा यार, पाँच ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक करिए ना ही करिए ये मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, और ना ही मुझे सब्सक्राइब करिए मैं आपसे बोलूँगा। आपको सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, पर मैं आपसे प्लीज़ गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो को प्लीज़ करके शेयर करिए। आप एक 5,000 की कीमत एक गरीब से जाके पूछिए, एक मिडिल क्लास से, कि 5,000 उनके लिए कितने मायने रखते हैं। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को शेयर करिए।